तो दोस्तों सीरियम बात करने वाले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में, और हम यहाँ पर करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का वीकली एनालिसिस कि अब नेक्स्ट वीक के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो हमें यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली क्या प्राइस एक्शन जो है वो हमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस के काउंटर के अंदर नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा। अब देखो दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के IPO को काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो है वो अट्रैक्शन मिला, काफ़ी अच्छी हाइप मिली, IPO की लिस्टिंग अच्छी खासी हुई, लोगों का पैसा जो है वो मोर देन डबल भी हुआ, स्टॉक ने जो है वो 190 का हाई भी लगा दिया, बट अब यहाँ पर जो है वो हमें कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा। ये जो लेवल्स है वो हमने आपको लास्ट वीकली एनालिसिस में भी बताए थे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का सपोर्ट रहेगा 150 एंड इसका कोर रेजिस्टेंस रहेगा 190। अब ये जितने भी परसेंटेज की पॉइंट्स की रेंज है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब तक स्टॉक इस रेंज के अंदर है तब तक के लिए समझ लेना कि स्टॉक साइडवेज ही ट्रेड करेगा, आपको ज़्यादा पैसा बनाने का मौका शायद से इस रेंज के अंदर ना मिले, राइट? सो इसका मेजर सपोर्ट क्या है, 150। अगर 150 रुपीज़ के लेवल्स को ब्रेक करके अगर मान लो बजाज हाउसिंग फाइनेंस नीचे निकला तो अगेन ये ट्रेंडिंग ऑन द डाउन साइड हो जाएगा। अप साइड की बात करें तो अगर मान लो ये धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ता है तो इसका मेन रेजिस्टेंस रहेगा 190, जो कि हमें फिर टेस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है।